सोशल मीडिया पर एक स्टडी से जुड़ी खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल आपके सिर पर सींग निकाल रहा है। आइए जानते हैं क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्या इंसानी शरीर में सींग निकलना संभव है। इस वायरल मैसेज की पड़ताल करने के लिए हमने कई सारे अस्पताल जैसे कि मुंबई में मैक्स अस्पताल, बॉम्बे अस्पताल और कई न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और फिजिशियन से बात की। उन्होंने ये स्वीकारा कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल शरीर के लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन सींग उग जाए ये कुछ ज्यादा ही हो गया। मैक्स अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर ने कहा कि जब हम सिर को आगे तक ज्यादा देर तक झुकाकर रखते हैं तो खोपड़ी के पीछे दबाव पड़ता है, जिससे कॉन्स्टेंट ट्रैक्शन होता है, जिससे मांसपेशियों पर दबाव कम करने के लिए खोपड़ी के नीचे की हड्डियां बढ़ने लगती हैं। वहीं बॉम्बे अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जन के मुताबिक ये मामला बोन आउटग्रोथ का है। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, ज्यादा देर तक लैपटॉप या किसी दूसरी वजह से, मसलन किताब पढ़ते वक्त भी ज्यादा देर तक सिर झुकाने से ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि हमारे सिर का वजन करीब 4.5 किलो होता है, यानी एक बड़े तरबूज जितना। मोबाइल, टेबलेट, लैपटॉप या पढ़ाई करते वक्त हम अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। इससे होता यह है कि सिर का 4.5 किलो का वजन रीढ़ की हड्डी पर पड़ने के बजाय गर्दन और सिर की मांसपेशियों पर पड़ता है। नतीजे में गर्दन के ठीक ऊपर खोपड़ी के निचले हिस्से पर हड्डी बढ़ने लगती है। इसे मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से जोड़ा जाना सही नहीं है, गलत तरीके से किताब पढ़ने पर भी ऐसा हो सकता है। मामला सिर्फ सिर के गर्दन सीधा रखने और नहीं रखने भर का है। सोशल मीडिया जिसे सींग कह रहा है, स्टडी में उसे स्पाइक कहा गया है। स्टडी में नोकदार हड्डी, बोनी लंप यानी हड्डी की गांठ या बम्प यानी उभार कहा गया है। स्टडी में कहीं भी सींग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि यह स्टडी ऑस्ट्रेलिया के क्यूसलैंड स्थित सनशाइन कोस्ट यूनिवर्सिटी में हुई है, जिसमें 18 से 30 साल तक की उम्र के 218 लोगों को एक्सरे किया गया था। सामने आया कि 41% लोगों के सिर के पीछे गर्दन के पास 10 से 30 mm लंबी हड्डी पाई गई थी। इस स्टडी में पाया गया कि बढ़ती हड्डी की वजह जेनेटिक या कोई सूजन नहीं है, बल्कि लोगों के उठने बैठने का गलत तरीका है। इस स्टडी में यह अनुमान लगाया गया था कि बढ़ती हड्डी की वजह मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते वक्त सिर को आगे की तरफ झुकाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो की फाइनल पड़ताल ये है कि मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से हुए गलत पोस्चर की वजह से खोपड़ी में एक हड्डी बढ़ रही है। लेकिन ये कहना कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से इंसानों के सिर पर सींग उग रहे हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए V4 Innovative को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।